हजूर सल्लम की ज़िंदगी में आपने भी तो इसकी साहबा कराम जब कोई इस तरह का वाकया करके आते थे नबी सल्लम की नामूस और दौरे साहबा में, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल मुबारक होता? इस सिलसिला में हज़रत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाकया कुतुब हदीस में मौजूद है कि जब असमा बिनत मरवान ने तौहीन रिसालत की और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बदर में थे, तो हज़रत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नज़र मानी कि जिस रात अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा होंगे तो मैं असमा बिनत मरवान का सर उतारूँगा। उन्हें खबर हुई, हज़रत उमैर अगरचे नाबीना थे लेकिन रातों रात निकले और असमा का सर उतार के नमाज फजर के टाइम मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। जमात हो रही थी, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फेरा तो सामने उमैर खड़े थे। आपने सलाम फेरने के बाद फरमा, अक़तलत असमा बिनत मरवान, क्या तुम असमा बिनत मरवान को कत्ल कर आए हो? तो हज़रत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा पहले ही पुरनूर था, खिल उठा, कहने लगे, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं उसे कत्ल तो कर आया हूँ। रिवायत में कहते हैं मुझे पहले झिझक थी कि चूंकि मैंने पूछा नहीं था, अपने तौर पर ही मैं सब कुछ कर आया था, तो अब मैंने सवाल किया, हल अख्ता तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई मैंने गलती तो नहीं की? तो हमारे आका अलैहि सलाम की तरफ से हौसला अफजाई और शरीयत की तस्दीक देखिए, फरमा मा अख्ता बल नसरत अल्लाह व रसूल, आपने हरगिज कोई गलती नहीं की बल्कि अल्लाह की भी मदद की है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की भी मदद की। सुभानअल्लाह। वल्लज़ीन आमनू बिही, ये जो कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, तो नसरूहु में सर फरिस्त ये माना ही आता है कि जिस वक़्त कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन कर रहा हो तो उससे बदला लेना, ये नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काब बिन अशरफ के लिए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी जी, कौन है जो मुझसे अज़ियत दूर करे, जा कौन है जो उसको दूर करे मुझसे, बल्कि इस अंदाज में फरमाते रहे, मैं यकफीनी अदुवी, कौन है जो मेरे दुश्मन के लिए काफी हो जाएगा। एक रवायत में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला उठे, एक में हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला उठे, और बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत उमैर के वाकया में तो बड़ी मुनासिबत है गाजी इल्मुद्दीन शहीद के वाकये की उसके साथ। अच्छा, अच्छा। जब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो साथ ही फरमा दिया कि मन सर राहू यंजुर इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फल यंजुर इला उमैर, ये सहाबा अभी ताज़ा ताज़ा इनामात लेके आए थे बदर से, लेकिन सरकार ने जब ये फरमाया कि जिसे ये मुसर्रत है, पसंद है कि वो एक जन्नती को देखे तो वो मेरे उमैर की ज़ियारत कर ले, तो ये अजीब समा था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बोल पड़े, कहने लगे, इन्नहु तसर्राफी ताअतिल्ला व इन्नहु आमा, कहते देखो नाबीना होके बाजी ले गया, यानी है नाबीना लेकिन हमसे कितना आगे घुस गया अल्लाह की बंदगी में ये इंसान कि हम बदर से होके आए हैं और ये यहाँ इसने जो किरदार अदा किया है, यानी वो जो इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरा समझा था मैं, तो अब नमूस रिसालत का किरदार जब हजरत उमैर अदा कर चुके थे, अगरचे वो वाकई नाबीना थे लेकिन जिस्मानी तौर पर, मगर हमारे आका अलैहिस्सलाम को अब इस अंदाज में उनके लिए लफ्ज़ नाबीना भी आमा भी पसंद ना आया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला को टोक दिया, फरमाया उमैर को नबीना ना कहो, इन्नहु बसीर, ये तो बसीरत वाला है, ये तो असल में आंखों वाला है। तो ये किरदार है तहफ्फुज़ नमूस रिसालत पर, जिस वक्त बज़ाहिर एक आम बंदा भी ये किरदार अदा करता है तो फिर कितना खास हो जाता है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला को रश्क आ रहा है और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को जिसकी आंखें नहीं, फिर भी इसे नबीना ना कहो।